गाइस इस मूवी में ना बिल्कुल ट्रूथ को उजागर किया, जो सच्चाई होती ना, ये सच्चाई जो दबी हुई थी 32 साल से। हे गाइस वेलकम टू सत गुप्ता न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8, तो गाइस मैंने 7:44 में वीडियो अपलोड कर दिया है स्पेशल होली वाला, अब जाके प्लीज देखना और कमेंट कर देना। तो हाँ गाइस बहुत मस्त होली, मतलब कल का दिन बहुत अच्छा निकला, एनर्जेटिक बिल्कुल मोटिवेट सा फील हो रहा था, बहुत मजा आया। तो गाइस अभी चलता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ। तो चलो अभी खाना खा रहा हूँ, खाने मेरा केला गुंजिया मलपुआ। तो गाइस आप लोगों को अच्छे से खा के मिलता आज, बहुत अच्छा खाने में तो खा लिया होता है। खाना तो खा लिया, अभी जा रहा हूँ फ्राई करने के लिए, चलो चलते हैं। फ्राई करके उठ गया, अभी जा रहा हूँ मैं लंच करने के लिए। लंच में मेरा है बिरयानी, तो गाइस बिरयानी, अचार, मटर पनीर की सब्जी और गुंजिया। तो गाइस सबको खाना है एक एक करके, मेरा खाने के बाद लास्ट में खाऊंगा गुजिया। तो गाइस आप लोगों को मैं खा के मिलता हूँ। हमने खाना खा के तैयार हो के हम तीनों भाई जा रहे हैं अभी मूवी देखने के लिए। टिकट हमने बहुत पहले ही बुक करवा लिया था, 3 टिकट ले लिया है। अभी तो फिलहाल हम लेट हो रहे हैं क्योंकि 2:30 से स्टार्ट होने वाला, 2:20 हो चुका है। मूवी का नाम बता देते हैं, दी कश्मीर फाइल्स है, बहुत अच्छी मूवी है, हम देख के बताते हैं आपको कैसी मूवी है। चलो मिलते हैं, चलते हैं पहले मूवी देख लेते हैं। चलो पिक्चर हॉल देखने, चलो फाइनली हम लोग मूवी देखने के लिए आ गए हैं, ऑडिटोरियम में बैठ गए हैं। तो गाइस अभी हम देखेंगे मूवी, चलो मूवी स्टार्ट हो गया है, अब देख के फिर बताते हैं आपको। सब इंटरवल हुआ है, मूवी बहुत मस्त लगा था देखने में। तो गाइस मैं तो अभी पॉपकॉर्न खा रहा हूँ अभी, तो लोग गाइस चलते हैं फिर मंदिर देखेंगे। बस 5 मिनट हो गया, 10 मिनट और, फिर 15 मिनट और फिर मूवी स्टार्ट होगा। तो खा लेता हूँ फिलहाल, अभी हम बाहर से आ गए इधर आराम से बैठे हुए हैं। तो ये भी तो वैसे अभी वापस मूवी स्टार्ट होगा, मूवी फिर से स्टार्ट हो गया। तो वैसे हम लोग देखें मूवी, हम लोगों ने देख लिया गाइस, बहुत ही रिलेटिव, क्या बताऊँ, बुरा सही था मूवी। वैसे तो सही है, ये सच है, रियल सच है, वो सब कुछ दिखा हमने। तो गाइस अभी तो मैं नहीं बता सकता रास्ते में जाते वक्त, आपको मैं घर पर जाकर सीधा एक्सप्लेन कर बताता हूँ आराम से। चलो घर पर मिलते हैं। घर पे आ गए, अभी टाइम हो रहा है 6:15। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा बहुत खेल लेंगे यार, देखेंगे क्या करना है, तैयार होते। चलो अभी यहाँ पे पूजा कर रही है, तो गाइस मैं चला खेलने, तो चलो चलते हैं। ग्राउंड में आए तो फुटबॉल तो है नहीं, तो गाइस चलो आपको मूवी का नाम बता देता हूँ, मूवी में क्या देखा है। चलो तो गाइस जो कश्मीर फाइल मूवी हम जो देख के आए ना, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, बहुत मस्त, बहुत बेस्ट मूवी है। मतलब जो कश्मीर फाइल जो मूवी है ना, ये बताया कैसे कश्मीरी पंडित पे जो अत्याचार हुआ है ना, उसको ट्रूथ वे में दिखाया है। बहुत लोग ना, अगर आप बताओगे ना, आजकल बिल्कुल ही ये मामले जो 32 साल से ये जो केस जो कश्मीर पंडित पे फाइल, मतलब जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, अभी तक किसी के सामने आया नहीं था, हम लोग को पता ही नहीं था। जब अभी न्यूज़ वाले भी इसको उतना कवर नहीं करते हैं, पर ये जो मूवी एकदम ट्रूथ है, आप जाके देखोगे ना रियली इमोशनल हो जाओगे। ये जो अगर आपको बोला जाए आप अपने घर से भाग जाओ तो भागोगे नहीं ना, उनको वही क्या गया, उनके खुद के घर से भगा दिया। अगर आपको अभी बोले, मैं मूवी में सीन बता रहा हूँ, वो मूवी में बोलते हैं अगर आप लोग यहाँ से अभी जाओगे तो कहाँ जाओगे, अपने घर जाओगे, तो वो कोई मायका लाला कि आपको रोक सके आपके घर जाने से, नहीं ना। पर उनको क्या, उनके घर से भगा दिया, वो अपना 30 साल बाद अपना घर भी जाना चाहते तो नहीं जा पा रहे। गाइज एकदम इस इशू को आज तक किसी ने कवर नहीं किया, पर ये मूवी ने बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से समझाया उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम हुई, एकदम ट्रूथ है। ब्रेन वॉश हुआ सब कुछ, नाम कोई चीज़ नहीं होती, रियलिटी रियलिटी होती है, ट्रूथ होता है। तो गाइज देखो, आजकल मतलब सबके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पर इस मूवी में फंडामेंटल राइट्स तो छोड़ो, उनके घर तक वापस नहीं जाने दिया जा रहा। आप जाओ मूवी को देखो, बहुत ही अच्छी मूवी है। चलो मेरे ख्याल से तो रिकमेंड है कि आप जाके देखो कश्मीर फाइल्स, रियली गाइज बहुत इमोशनल मूवी है, आप जाके देखो। किसी के ऊपर अत्याचार होता तो ऐसा नहीं सहा जाता, 5,000 लोगों को रिफ्यूजेस की तरह कश्मीर से भगा दिया, 5 लाख लोगों को, अगर आप जाके सर्च करोगे नेट पे तो 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग को कश्मीर से भगा दिया गया, अभी वो अपना घर जाना चाहते थे नहीं जा पा रहे। तो चलो गाइज मैं आपको गाइज इस मूवी में ना
बिल्कुल ट्रूथ को उजागर किया, जो सच्चाई होती है ना, ये सच्चाई जो दबी हुई थी 30-32 साल से अभी उजागर हुई है। तो अब जाके देखो मूवी को। मम्मी जा रही घूमने के लिए और हम चले घर में। चलो घर पर आ गया, अभी मिक्सचर खा रहा हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, आप लोगों में पढ़ाई करके मिलता हूँ। तो होली खेला हूँ जैसे पूरा बॉडी शरीर सब दर्द कर रहा है। बेटा रंग तो भाग रंग दलता ना शरीर में, तो ऐसे ही होता है। तो गाइस जब से होली खेला ना मैंने, जब से मैं पूरा बॉडी क्या बताऊँ रिलैक्स नहीं, पूरा दर्द कर रहा है मेरा बॉडी, पढ़ भी नहीं पा रहा सीधा। पढ़ाई करके उठ गया, डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया। तो गाइस फिलहाल तो अभी देखो पूरा गाना बज रहा है बाहर में, तो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, मैं कुछ इस चीज़ का डर होता है। कोई नहीं गाइस, मैं साइड में आके ब्लॉग ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस हाँ अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने, आप लोग का एडिटिंग करके मिलता हूँ। तो गाइस आधा एडिटिंग कम्प्लीट हो गया, आधा नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा पूरा बॉडी पेन हो रहा है मेरे को। तो गाइस मैं जाता हूँ पहले, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, कल सुबह आराम से एडिटिंग करूँगा यही सोचा। अब तो ये करना ही पड़ेगा। तो गाइस सुबह ही मिलता हूँ आप लोग से। चारों में बॉडी दर्द हो रहा है। दूध पिया था ना? दूध ना मैं नहीं पीऊँगा, मैं जा रहा हूँ सोने जा रहा हूँ मैं। तो गाइस आ जा रहा हूँ, भाई आप लोग पास आ रहा हूँ। सुबह उठा था 5:30 बजे, लेकिन अभी टाइम हो रहा 6:30। मेरा ब्लॉग पूरा एडिट कम्प्लीट है और बॉडी पेन में मेरा चला गया सोने के बाद। तो गाइस आए आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द पकले, बाय बाय। उठा बॉडी पेन पर, अरे क्या क्या बोलने लग गया यार। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा 5:30।